तो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आज बरेली आए हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बातचीत करते हैं उनसे कि क्या माहौल है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है। राजभर जी स्वागत है भारत समाचार में। थैंक यू सर। बरेली आए, क्या कहेंगे? बरेली जो हम आए हैं, आज कश्यप प्रजापति पाल सम्मेलन है। चूँकि लोगों की सोच थी कि इस जो दौर चल रहा है चुनाव का, इस दौर में जनता बदलाव चाहती है। तो जो राजनीति से कुछ जातियां जो अछूती हैं वो सोच रहे हैं कि हम भी कम से कम इस मौके पर हम भी सहयोग करें। तो उसी कड़ी में लोगों ने बुलाया है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की बात करें तो छापेमारियों का दौर शुरू हो चुका है। कानपुर में काफी लंबे समय से छापेमारी चल रही है और व्यापारियों के छापेमारी है। भाजपा का कहना है कि सपा के लोग हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये क्षेत्र जो है बीजेपी के पैसा है और ये सपा को दिखा रहे हैं, क्या कहें? देखिये, दुर्भाग्य इस बात का है कि ईडी और सीबीआई 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी चुनाव में क्यों लगाई जाती है जब चुनाव का बिगुल बज जाता है? आपने देखा बंगाल में जब चुनाव का बिगुल बजा तो वहाँ ये ईडी पहुँच गई। ये 5 साल कहाँ रहते हैं? बिहार में चुनाव हुआ तो ईडी सीबीआई पहुँच गई। आतंकवादी पहुँच जाते हैं, हिंदू खतरे में हो जाते हैं। उसी तरह यूपी में चुनाव का बिगुल बजने वाला है तब ये लोग खाली हुए हैं, तब आ गए हैं। तो जो छापेमारी हो रही है, दुर्भाग्य है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इन्होंने भेजा सपा के कार्यालय में, वो सब घुस गए भाजपा कार्यालय में। अब भाजपा कार्यालय में जब माल पकड़ लिया गया तो सुबह तो टीवी पर, कई अखबारों में, टीवी पर चैनलों पर चला कि समाजवादी पार्टी के इत्र के यहाँ नेता के यहाँ इतने रकम पकड़ी गई। 12 बजे के बाद उलट गया। दिल्ली से फोन गया कि एक तुम लोगों ने क्या कर दिया, भेजा उधर और हिल गए इधर। तो 12 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ रेट पड़ गई। वही हाल कानपुर में है। और मजे की बात, उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में अगर कहीं कोई घटना हो जाएगी तो सीधे वो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब हम लोग उत्तर प्रदेश में जो हम जहां थे वहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से और 69,000 शिक्षक भर्ती या पिछड़ों के हिस्सा लूटने से, दलितों के हिस्सा लूटने से, जो लोगों में गुस्सा है, व्यापारियों में गुस्सा है, और जो योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से किसान परेशान है। अरकल मटर है, गेहूं है, आलू है, सब चल रहे हैं। और रोड पर 70% एक्सीडेंट, जाके ट्रामा सेंटर चेक कर लीजिए, 70% साड़ से लड़के आ रहे हैं। तो इससे जनता चाहती है और कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। बेशक प्रियंका मेहनत कर रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धरातल पे संगठन नहीं है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए लोग तैयार हैं। तो जब महंगाई से निजात कर पाने के लिए लोग तैयार हैं तो विकल्प अखिलेश जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब लग रहा है कि अब तो सत्ता जा रही है। अभी दिल्ली में परसों जो है प्रदेश के सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया कि ब्राह्मण नाराज है, कैसे वोट मिलेगा। तो वहाँ खुल करके बात आई कि योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 100 सीट भी नहीं जीत सकते हैं, बड़ी बदतर स्थिति है, पिछड़ा नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। तो नड्डा जी ने सवाल किया कि ब्राह्मण क्यों नाराज है? कहीं योगी जी पहले सबसे पहले अपने दुश्मन के ऊपर छापा मरवा दी। हरिशंकर तिवारी जो बड़े नेता पूर्वांचल के माने जाते हैं, वे आपके भदोही के विधायक विजय मिश्रा, उनके यहाँ चूंकि वो भी ब्राह्मण हैं। तो ये चीन के ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है। और वहीं योगी जी के बिरादरी के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बात खुल करके परसों जो है दिल्ली में वहाँ रखी गई और ये कहा गया कि ना तो पिछड़ा वोट देने को तैयार है, ना ब्राह्मण देने को है, ना दलित तैयार है, ना मुसलमान। और उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बदतर है। और अखिलेश यादव जो उन्होंने कहा था उस मुकाम को हासिल करने के लिए वो अग्रसर हैं और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो नड्डा जी ने कहा कि कोई कुछ युक्ति लगाओ और आप लोग जाओ समझाओ, और नहीं तो पार्टी गर्त में चली जाएगी। यही कह करके लोगों को वहाँ भेजा। तो प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कमान। भाजपा की भी जनविश्वास यात्रा है, कश्यप को अमित शाह भी बरेली आ रहे हैं। जनसभाओं में दोनों तरफ से भीड़ देखी जा रही, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, योगी जी हों, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, सरकारी बस लगाई जा रही है। मनरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी के मजदूर, आपके ये संविदा के कर्मचारी, आंगनबाड़ी समूह की औरतें ला करके उनको धोखा दे करके भीड़ लाया जा रहा है। और आप देखें किसी भी रैली में जब ये नेता खड़े हो रहे हैं बोलने तो भीड़ जाने लग रही है और भीड़ गाली देते हुए जा रही है। उस भीड़ में भी 50 से 60% लोग अखिलेश जी का गुणगान करते हुए जा रहे हैं कि हम लोग तो अखिलेश छोड़ देंगे, ये बहुत झूठ बोलते हैं, महंगाई ले आए हैं, हम लोगों को कहे कि हम मानदेय बढ़ाएंगे और पैसा देंगे, हम लोग तब पैसों नहीं दे रहे हैं। बहुत सी महिलाएं तो हमने देखा सोशल मीडिया पर कि हमसे कह करके कि 500 रुपया देंगे चलो रैली में, ही आए तो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो उल्टे गरिया रही हैं। तो इनके